बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जाने वाले बिहार के सभी नौजवान विद्यार्थी और प्रतियोगीगण, जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग में प्रश्नों का स्तर बदल रहा है और इसके बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में क्रॉनिकल एकेडमी ने 70वीं बीपीएससी के लिए एक समग्र बैच, संतुलित बैच और क्वालिटेटिव बैच शुरू करने का फैसला किया है। बिहार के कोचिंग के इतिहास में पहली बार क्रॉनिकल एकेडमी 3 स्टेज 3 लेयर बैच शुरू करने जा रहा है। एक बैच हमारा शुरू हो चुका है। इस बैच में हम चाहेंगे कि चूंकि आपके पास 1 साल से अधिक का समय है, मेंस को भी अगर उसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोगों को, तो आपको समग्र तैयारी करने का इसमें एक मौका मिलेगा, जिससे प्रीलिम्स और मेंस पूरे सभी परीक्षाओं की तैयारी आप वन ऑफ द बेस्ट तरीके से करेंगे। और हम आपको बिहार के सबसे अनुभवी शिक्षकों की टीम देंगे। आप जानते हैं कि क्रॉनिकल एकेडमी या हम लोग 91 से बिहार के विद्यार्थियों को गाइड कर रहे हैं और अभी भी हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो पटना के सबसे अनुभवी शिक्षकों में एक है। यहाँ जब हम 3 लेयर की बात करते हैं तो हम अपने पढ़ाने में, अब जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी आपको पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे, आज के समय में सभी लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के बिना कोई भी इम्तहान देना संभव नहीं है। हम लोग क्रॉनिकल एकेडमी में पिछले 5 वर्षों से एनसीईआरटी को पढ़ाते चले आ रहे हैं और क्रॉनिकल एकेडमी बिहार ही नहीं देश का पहला इंस्टीट्यूट है जिसने एनसीईआरटी को ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया। और उसी समय से हम कहते आ रहे हैं, आज लोगों की नींद खुली है अलग बात है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में एनसीईआरटी की पढ़ाई हम लाइन बे लाइन करवाते हैं। हर हफ्ते हम रिटेन टेस्ट लेते हैं और अन्य चीज़ों के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। तो हमारा पहला लेयर होता है कि हम एनसीईआरटी की किताबों को 6 से 12 आपको पढ़ाते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस 6 से 10 है और इकोनॉमिक्स 9 से 11 है। इन सभी किताबों को समग्रता से पढ़ाते हैं और प्रतिदिन एनसीईआरटी के लिए हम आपको 4 घंटे का क्लास देते हैं, 4 4 आवर्स पर डे। और इसके साथ साथ 2 घंटा हम जीएस का क्लास देते हैं, कुल मिला के 6 घंटे क्लास हम आपको देते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास इस देश में कोई भी कोचिंग संस्थान किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बैच को नहीं देता है। हम लोग एक बैच में 40 से 50 स्टूडेंट ही रखते हैं। हम लोग भीड़ को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि 40 से 50 छात्रों की संख्या जब हो जाती है तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन लगभग खत्म हो जाता है। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि हाँ, विद्यार्थी हमारी बातों को समझ रहे हैं अथवा नहीं। तो पहले लेयर में हम लोग एनसीईआरटी का थॉरो और टीचिंग करते हैं। एक एक लाइन, एक एक चैप्टर, एक एक पैराग्राफ, पूरा का पूरा एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेते हैं तो आप एक डिफरेंट स्टूडेंट अपने आप में महसूस करने लगते हैं। साथ ही साथ हम जीएस प्रीलिम्स की भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, सपोज कीजिए जब एनसीईआरटी आप संविधान का 11th क्लास का क्लास करते हैं, तो 11th में जो थ्योरी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह आपके मेंस का आधारशिला तैयार करता है। जब आप 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इंटरनेशनल इवेंट जब 2nd किताब पढ़ते हैं, तो आप भारत के भी करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड जानते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो आप आईआर का भी बैकग्राउंड जान जाते हैं। उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो हम जीएस के हर सेक्शन को एनसीईआरटी से कनेक्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ जीएस का प्रीलिम्स, तो 2nd स्टेज में हम आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई करवाते हैं। और जब एनसीईआरटी और प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं आप, तो मेंस की पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि मेंस का
अधिकांश जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वह एनसीईआरटी में चला आता है। बहुत सारा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है वो प्रीलिम्स पढ़ते समय भी आ जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ते समय भी आ जाएगा। तो एनसीईआरटी और प्रीलिम्स जब हम खत्म करते हैं तो न केवल आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की पूरी स्थिति में आते हैं बल्कि मेंस का भी अधिकांश तैयारी आपका हो चुका होता है। तो हम लोग आपको एक साल का मतलब पूरी तरह से पढ़ाएंगे। 30 सितंबर को आपको एग्जामिनेशन है, 30 सितंबर से पहले अगस्त महीने तक आपको हम थोरो पढ़ाएंगे। अंतिम 5 दिन में हम 5 मॉडल टेस्ट लेंगे और जब यहाँ हम पढ़ाएंगे तो जो एनसीईआरटी हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे, शनिवार के शनिवार उसका रिटेन टेस्ट लेंगे। जनरल स्टडीज का जो पढ़ाई होगा उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और हर विषय में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। टीचर लोग मेंटरशिप के लिए आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। क्लास के बाद भी आप टीचर से कोई भी बात पूछ सकते हैं। चूंकि हम लोग भीड़ नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए हर स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल होगा। कोई भी आपके अंदर में बात समझने की दिक्कत रह गई, कोई भी क्वेरी रहा, तो आप हमारे टीचर से क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाहर भी पूछ सकते हैं। और तब हम फिनिशिंग टच देते हैं जब आपको हम मेंस की पढ़ाई करवाते हैं। इस संदर्भ में कुछ मेंस के जो क्लासेज हैं वो अभी ही हो जाएंगे। जैसे आप चाहेंगे अगर समय देना चाहेंगे तो स्टैटिस्टिक्स अभी ही पढ़ा देंगे, बिहार का इतिहास अभी ही पढ़ा देंगे, या बहुत सारे सेक्शन आपको इधर ही पढ़ा देंगे। और जैसे ही 30 सितंबर को प्रीलिम्स खत्म होगा, 2 या 3 अक्टूबर से जब भी आप चाहेंगे मेंस का क्लास हम लोग शुरू कर देंगे। रिजल्ट आने के बाद केवल प्रैक्टिस सेशन हम लोग करेंगे। इस तरह से प्रीलिम्स की एक समग्र तैयारी का मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किया है। बिहार में पहली बार कोई कोचिंग आपको 3 लेयर मॉड्यूल दे रहा है, एनसीईआरटी की पढ़ाई, जीएस प्रीलिम्स की पढ़ाई और फिर मेंस की पढ़ाई। मेंस की पढ़ाई में ऑप्शनल पेपर भी शामिल होगा, ऐसे भी शामिल होगा और हिंदी भी शामिल होगा। 18 तारीख को 4 बजे हम लोगों ने डेमो क्लास रखा है। तो 18 तारीख आप सभी याद रखें, 18 जनवरी 4 बजे डेमो क्लास है। आप सभी लोग इस क्लास में सादर आमंत्रित हैं, आए। और 1991 से हम लोग गाइड कर रहे हैं और अगर क्रॉनिकल इतने दिनों से है तो क्रॉनिकल में कुछ दम है, तभी तो हम हैं। हम लोग रिजल्ट खरीदते नहीं हैं, वी डोंट परचेज रिजल्ट्स, वी प्रोड्यूस रिजल्ट्स। हम हमारे संस्थान में कभी भी वैसे छात्रों का स्टूडेंट्स का फोटो नहीं लगा जो हमारे यहाँ नहीं पढ़े हों या किसी तरह से हमारे से नहीं जुड़े हों। इसी तरह से हम लोग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं देते हैं। आज दिल्ली में 30 से अधिक संस्थानों पर सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ने केस दायर किया है। पटना में भी इस तरह के फेक रिजल्ट देने वालों पर केस दायर होने ही वाला है। तो हम फेक रिजल्ट नहीं देते हैं। 1991 से हम बाजार में हैं। आज तक किसी भी गलत मीन्स में क्रॉनिकल का कहीं कोई नाम नहीं आया है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक बच्चों को गाइड करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे क्लासरूम में पढ़े हुए बच्चे प्रीलिम्स पास करें, मेंस पास करें और इंटरव्यू पास करके फाइनली पास करें। आप सबों का 18 जनवरी 4 बजे हम आप सबों का क्रॉनिकल एकेडमी में स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।